हेलो फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक में हम देख रहे हैं एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में। तो एनालॉग मल्टीमीटर का हमें देखना है, तो चलो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉम करके दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रोब दिया हुआ है, रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। तो ब्लैक प्रोब आपको हमें पता ही है, जैसे कॉम नेगेटिव में लगता है और रेड प्रोब जो रहेगा वो पॉजिटिव में लगेगा। तो पॉजिटिव वाला जो रहेगा, पॉजिटिव प्रोब हमें रेड प्रोब हमें पॉजिटिव में लगाना है और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव में लगाना है। तो उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे एक रूटर दिया हुआ है। रूटर के लिए यहाँ पे एक ऑफ करके दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये हमेशा ऑफ पे हमें रखना है। अगर बंद करना है तो हमें ऑफ पे रखना है। उसके बाद बहुत सारे रेंज दिए हुए हैं, यहाँ पे रेंज दिए हुए हैं। तो रेंज के बारे में हम आगे देखते हैं। तो और हमने यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे एक सुई दी हुई होती है। यहाँ पे ये सुई मूव होती है, इससे ही हमें जज करना होता है कि हमें क्या चीज़ हम चेक करें। जैसे वोल्टेज चेक करें तो वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, अगर हमें ओम्स चेक करना है तो ओम्स कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रेड प्रोब को पॉजिटिव पे और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे कनेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक एडजस्टर दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जो रोटर है, रोटर को आपको X1 पे लाना है। X1 पे लाके दोनों प्रोब को एक साथ शॉर्ट करना है। शॉर्ट करेंगे जब भी, तभी आप देखेंगे सुई यहाँ पे मूव होगी। सुई मूव होगी तो आपको एडजस्टर के थ्रू, हो सकता है सुई थोड़ा पहले आ जाए, हो सकता है थोड़ा बाद में चली जाए, तो आपको एडजस्टर के थ्रू जो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो एडजस्ट कर। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, एडजस्टर के लिए, जैसे कभी आपने दोनों प्रोब को शॉर्ट किया, जब दोनों प्रोब को शॉर्ट करेंगे तो आपका ये सुई, आप ध्यान दें कि आपका जीरो पे आके रुकना चाहिए। अगर जीरो पे नहीं रुक रहा है, हो सकता है पहले रुक जाए, हो सकता है उसके जीरो के आगे चला जाए, तो आपको एडजस्टर के थ्रू आपको ये सेट करना है कि आपका ये जीरो पे आके रुक जाए। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं एडजस्टर के थ्रू। यहाँ पे इसलिए एडजस्टर दिया हुआ है, आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये जो सुई है, सुई अगर आपको जीरो, यहाँ पे जो जीरो दिख रहा है, जीरो के पहले अगर और भी नीचे चला जा रहा है सुई, तो आपको यहाँ पे एक नट स्क्रू दिया हुआ है। स्क्रू के थ्रू आपको स्क्रू को थोड़ा रोल करना है ताकि ये जीरो पे आ जाए। तो अभी हम इस पर सेटिंग्स में देखते हैं। जैसे सेटिंग्स के बारे में देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओम करके जो सेटिंग्स दिया हुआ है, वो हमें अगर हम कोई भी रेंज, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो कोई भी रेंज अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे ये ओम सेटिंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे ओम सेटिंग दिया होता है। यहाँ पे ओम के लिए X1 दिया है, X10 दिया है, X100 दिया है, X1K दिया है, X10K दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी रेंज पे, अगर हम कोई भी रेंज पे अगर हम रोटर रखते हैं, तो हमें ये ओम करके जो ऊपर वाली लाइन दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन दी हुई है उस पर हमें सेट करना है। तो उसे हमें चेक उस पर हम रेंज देखेंगे, सॉरी उस पर हम रेंज देखेंगे। अगर हमने यहाँ पे X1 या X10 या किसी पे कोई भी रेंज पे, ये पॉइंट पे अगर हमने रोटर को सेट किया है, तो हमें ये ऊपर वाला जो ओम लिखा हुआ है वो हमें रेंज देखनी है। तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कितने कितना ओम कितना कितने ओम के ओम हमें करंट कितना ओम हमें मिल रहा है। तो जैसे अगर समझो मैं एक स्पीकर चेक करता हूँ, तो स्पीकर चेक करने के लिए हमें पता है 16 से 32 ओम की रीडिंग आती है। अगर स्पीकर ओरिजिनल स्पीकर रहता है, तो एक्चुअल रीडिंग उसमें 28 ओम आती है। तो अगर हम स्पीकर चेक कर रहे हैं, स्पीकर चेक करने के लिए हमें, समझो हमने X1 की सेटिंग पे रखा है, X1 की सेटिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी पॉइंट भी दिया हुआ है, यानी बजर मोड भी दिया हुआ है। बजर मोड के लिए यहाँ पे ऊपर एक लाइट दी हुई है। तो समझो अगर हमने X1 पे रख के अगर हम स्पीकर चेक कर रहे हैं, तो स्पीकर चेक करेंगे तो यहाँ पे 28 पे आके आपका सुई रुकना चाहिए। जैसे अगर आप इसे दोनों प्रोब को एक साथ शॉर्ट करेंगे, तो आपका सुई, आप याद रखें, जीरो पे जाना चाहिए। जीरो पे आके जब हम शॉर्ट कर रहे हैं प्रोब को, तो ये सुई आपका जीरो पे आके रुकना चाहिए। तो अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई भी रेंज अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो हमें ऊपर वाली लाइन देखनी है, यहाँ पे जो ओम करके इंडिकेट दिया हुआ है, इंडिकेटर उसका लोगो दिया हुआ है, हमें वो लाइन चेक करनी है।
उसके अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे एसी वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे डीसी वोल्ट दिया हुआ है। तो एसी वोल्ट डीसी वोल्ट अगर जहाँ पे दिया हुआ है, तो उस टाइम पे अगर हम समझो मैं यहाँ पे 2.5 वोल्ट पे अगर मेरे को कोई चीज चेक करनी है, हमको 2.5 वोल्ट तक करंट चेक करना है, डीसी करंट चेक करना है, तो डीसी करंट चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके आपको 10 वोल्ट तक दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जैसे 2.5 वोल्ट चेक करेंगे तो 2.5 वोल्ट में आपको इसके अंदर ही रेंज बताएगा कि आपका वोल्ट बैटरी का वोल्ट कितना है। जैसे 2.5 वोल्ट में हम देख रहे हैं तो 2.5 वोल्ट यहाँ तक आता है, तो 2.5 वोल्ट के अंदर हमें करंट बताएगा। तो अगर हमें ये वाली लाइन देखनी है 0 से लेके 10 वाली, अगर हम 10 10 वोल्ट तक करंट चेक कर रहे हैं, समझो यहाँ पे हमने रोटर को 10 वोल्ट पे रख दिया है, अगर हम बैटरी चेक करनी है मोबाइल फोन की, ये सब फोन की या दूसरा कोई चीज चेक करना है, तो हमें 10 वोल्ट पे रखना है। 10 वोल्ट पे अगर हमें रखेंगे तो समझो अगर सुई यहाँ पे आ रही है तो 4 वोल्ट करंट बता रहा है, अगर इससे थोड़ा कम आ रहा है तो उससे भी कम वोल्ट बता रहा है, यानी 3.5 या 3.7, 3.8, ऐसा जो भी हो वो करंट हमें यहाँ पे सुई के इंडिकेट करेगा। तो 10 वोल्ट तक अगर हमें करंट चेक करना है तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। उसके बाद अगर हम देखें 50 वोल्ट पे अगर हम करंट रख रहे हैं, 50 वोल्ट हमें अगर चेक करना है डीसी करंट, तो हमें 50 पे रोटर रखेंगे और नीचे जो दिया हुआ है उसके नीचे जस्ट आप देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये जो रेंज दिया हुआ है ये रेंज को हमें फॉलो करना है। तो अगर हम 50 वोल्ट पे रख 10 वोल्ट पे हम रख रहे हैं रोटर को, तो हमें 10 वोल्ट वाला इंडिकेट फॉलो करना है। अगर हम 50 वोल्ट पे रखेंगे तो 50 वोल्ट वाला हमें फॉलो करना, अगर उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं जैसे 250 वोल्ट, तो 250 वोल्ट के लिए यहाँ पे ये रेंज दिया हुआ है। तो आपको जो भी रेंज पे आप जहाँ पे जो भी रोटर रोटर को आप जो भी रेंज पे रखते हैं हमें वो चीज को हमें फॉलो करना होगा। तो ऐसे ही एसी वोल्ट के लिए भी दिया हुआ है, एसी वोल्ट के लिए अगर हम 50 वोल्ट पे रखते हैं तो हम 50 वाला फॉलो करेंगे, 250 वोल्ट पे रखते हैं तो 250 वाला करेंगे, अगर 10 वोल्ट पे रखते हैं तो 10 वाला इंडिकेट हम फॉलो करेंगे। तो ज्यादा करके हमें समझो कोई कंपोनेंट चेक करना है, तो उसमें अगर हमें कंपोनेंट जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करना है, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करने के लिए ऐसे तो अभी डिजिटल मल्टीमीटर आ गए हैं, तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि डायरेक्ट आपको डिस्प्ले पे शो हो जाता है, बट अगर हमें इससे चेक करना है एनालॉग मल्टीमीटर चेक करना है तो एकदम प्रॉपर एक्यूरेट ये चेक होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूंगा, तो अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मोबाइल फोन में शॉर्टिंग चेक करना है, ये चेक करना, तो जैसे डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता था, अगर हम शॉर्टिंग चेक करते तो एक तरफ नंबर आता है 200 से 600 के बीच में, दूसरी साइड नंबर नहीं आते हैं। अगर हम इससे चेक कर रहे हैं एनालॉग मल्टीमीटर से, तो क्या होगा सुई एक साइड मूव होती है, जितना हो एक साइड सुई मूव होगी और दूसरे साइड सुई मूव नहीं होती, या तो मूव भी होगी तो हल्की हल्की आगे बढ़ के वापस अपने जगह पे चली जाती है। तो हमें ये देखना है अगर कोई चीज शॉर्ट है, जैसे कोई भी प्रॉपर अगर हमारा बोर्ड शॉर्ट है, अगर स्विच 0 पे आके रुक रहा है तो समझो ये फुल शॉर्ट होता। तो यही चीज है इसमें, इसमें कुछ ज्यादा अलग चीजें नहीं है। एनालॉग मल्टीमीटर में हम दोनों मीटर यूज कर सकते हैं, बट बहुत लोग को ऐसा मित रहता है कि एनालॉग मीटर बहुत हार्ड है ये है, तो आप एक बार मीटर को यूज करें आपको एकदम इजी लगेगा, बस आप इंडिकेट फॉलो करें। और इसके लिए आपको जब ये मीटर लेते हैं तो मीटर समथिंग 500 रुपये का आता है, तो 500 रुपये का अगर आप मीटर ले रहे हैं तो इसमें आप ये एक मीटर ले रहे हैं तो इसमें आपको बहुत चीज़ें जो आपको डिजिटल मल्टीमीटर से क्लियर नहीं हो पाती, जैसे कंपोनेंट चेकिंग करना, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ये सब कैसे चेक करना है, ये आप एनालॉग मल्टीमीटर से करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से चेक हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग ये बनाया था कि जिनको एनालॉग मल्टीमीटर के इंडिकेट के बारे में नहीं मालूम है उनको बताने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।